परम सम्माननीय आज के इस कवि सम्मेलन में उपस्थित जिला चंबा की शानो शान सुंदर यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे बुजुर्ग विद्वान बहल जी, कौशल जी, जिला भाषा अधिकारी श्री तुकेश जी और इस मंच पर इस समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, कविगण, बेसिकली मैं रचना नहीं लिखता हूं, बहुत कम रचनाएं मैंने लिखी हैं, दो तीन ही पूरी कर पाया हूं अभी, शायद ये शुरुआत है। विज्ञान के क्षेत्र से हूं, साहित्य के क्षेत्र में आने के लिए थोड़ा सा वो बीच में वो लिंक अभी बन रहा है, थोड़ा समय लगेगा, शुरुआत अभी हुई है। शेर में लिखता हूं, एक दो सबसे पहले शेर ही सुनाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि कैफियत ना पूछो हमसे जमाने की, कैफियत ना पूछो हमसे जमाने की, हम खुश हैं बेखबर ये रुत है हंसाने की। कैफियत ना पूछो हमसे जमाने की, हम खुश हैं बेखबर ये रुत है हंसाने की। आजाद हैं बेखौफ, आजाद हैं बेखौफ, कोई बंदिश नहीं घराने की। आजाद हैं बेखौफ, कोई बंदिश नहीं घराने की, बस राहगीर हैं हम तो चल दिए हैं, कोई कवायत नहीं निभाने की। बढ़िया, बोल। एक और एक दिन मैं कहीं घूमने गया था, जोत गया था, तो वहां पर मैं सोच रहा था कि हमारे स्कूल है, महाविद्यालय है, हम वहां पर सिखाते हैं कुछ ऐसी चीजें सिखाते हैं, मुझे लगता है कि उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, हमारे जो नैतिक मूल्य होते हैं उनके ऊपर शिक्षा नहीं होती है स्कूलों में। पहले वो एक सिलेबस के तौर पर उसको शुरू किया था हमने, वो पढ़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब उस तरीके से उनको उतनी गहनता से पढ़ाया जाता है या उनको सिलेबस में रखा जा रहा है, कई चीजें बाहर निकाली जा रही हैं। तो मैंने कहा था, मैंने लिखा था उसके लिए, काश काश कोई मकताब हो ऐसा जहां रियाज़े हयात का, कि हमारे लिए यहाँ पर एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जहां पर लाइफ को, जिंदगी को जीने के तरीके सिखाए जाए। जिंदगी क्या है, उसको कैसे जिया जा सकता है, उसको एक अच्छे तरीके से कैसे जीना चाहिए, वो सारी चीजें सिखानी चाहिए। एक और शेर में अर्ज करना चाहूंगा, शेर है, खामोशी का इल्म होना भी गुनाह है कालिब, खामोशी का इल्म होना भी गुनाह है कालिब, अक्सर बेनकाब हो जाते हैं वो चेहरे जो नकाब परवाह का पहने रखते हैं। परवाह का पहने रखते हैं हम कई बार, आजकल मुझे लगता है कि दुनिया ऐसी बन गई है कि सामने हाथ जोड़कर हम अच्छे हैं और हम आपकी फिक्र करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये लिखा था। और गत वर्ष यहाँ पर स्वीप कार्यक्रम में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसी में इलेक्शन से रिलेटेड मैंने कुछ लिखा था, एक तो वहां पर हमने रचनाएं लिखी थी, उसमें से एक रचना थी लोकतंत्र की लो, और दूसरी रचना थी एक वोट। एक वोट का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, उसके लिए कहा था, जाना जाना फिर जाना उस बूथ पर जाकर वोट डाल आना, जाना जाना फिर जाना उस बूथ पर जाकर वोट डाल आना, मतदान ताकत है तेरी इसे तू सही दिशा में लगाना, जाना जाना फिर जाना उस बूथ पर जाकर वोट डाल आना। कोई मतदाता कमजोर नहीं, कोई मतदाता कमजोर नहीं, बस यह ज्ञान है तुमको फैलाना, जाना फिर जाना उस बूथ पर जाकर वोट डालाना। एक वोट शिक्षा को देना जो सही गलत में भेद कराए, एक वोट शिक्षा को देना जो सही गलत में भेद कराए, एक वोट सशक्तिकरण के खातिर जो बराबर चलना सिखाए, जाना फिर जाना उस बूथ पर जाकर वोट डाला। हमने बहुत बार वोट किए हैं, कई बार मुझे लगता है कि जिंदगी के हर पड़ाव में हमारा सोचने का तरीका बदलता रहता है। तो मुझे लगता है कि वोट करने का एक तरीका शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम वोट दें। जाना फिर जाना उस बूथ पर जाकर वोट डालाना, एक वोट
एक वोट सम्मान को देना, एक वोट सम्मान को देना जो जाति धर्म से ऊपर उठाए। वाह वाह। एक वोट सम्मान को देना जो जाति और धर्म से ऊपर उठाए, एक वोट मुक्ति के खातिर जो लोभ मोह से बचना सिखाए। जाना जाना फिर जाना उस बूथ पर जाकर वोट डालाना, जाना फिर जाना उस बूथ पर जाकर वोट डालाना। एक वोट सुरक्षा को देना। हम आजकल अखबारों में पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि विमेन की सेफ्टी की हम बात करें तो कुछ ना कुछ इस तरीके के किस्से होते रहते हैं। उसके लिए कहा था कि एक वोट सुरक्षा को देना जो अंधेरे में दिए का आभास कराए, एक वोट शिक्षा को देना जो अंधेरे में दिए का आभास कराए, एक वोट विकास की खातिर जो विश्व में देश की पहचान बनाए। जाना फिर जाना उस बूथ पर जाकर वोट डालना।